हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी कॉमर्स। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बीबीए अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी, लेकिन जब फॉर्म्स लाइव हुए साइट पर तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि भाई साहब, इफ यू वांट टू गो फॉर बीबीए आपको सीयूईटी में मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन 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 अब एक खास बात और एक मस्त न्यूज ये है कि जो बीबीए है ना, तो यार ऑब्वियस सी बात है, पूरे भारत में इकलौती दिल्ली यूनिवर्सिटी तो है नहीं, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, राइट? तो बीबीए बाकी जगह से भी तो हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब डीयू में मैथमेटिक्स मैंडेटरी है फॉर बीबीए, तो बाकी यूनिवर्सिटीज के क्या हालचाल है? जब मैंने पता किया, जब मैंने खुद ने फॉर्म फिल किया, तब पता चला ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जो कि बीबीए करवा रही हैं बिना मैथमेटिक्स के। और जब मैथ्स नहीं है तो कोई सब्जेक्ट तो होगा ना, तो मैंडेटरी होगा। तो क्या है वो सब्जेक्ट, आइए देखते हैं फटाफट से। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी सीयूईटी की साइट पर रजिस्टर कर रखा है और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर भी आप लोगों को दिख रहा होगा। सो यार, ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं एग्जैक्ट पता कर सकूं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, साइट रियलिटी क्या है। देखो, मैंने पता क्या किया, मैंने सारी यूनिवर्सिटीज वो सिलेक्ट की जो कि बीबीए कराती हैं, राइट? मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरुआत करते, देखते हैं कि वो बात सही थी या नहीं, कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है या नहीं। चलो देखते हैं फटाफट से। यहां पर अगर हम स्क्रॉल करें तो बीबीए 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 आपको वेट अ लिटिल बिट, बीबीए 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 बीबीए, ये आ गया हमारा बीबीए। अगर आप उस आर्टिकल को देखोगे ध्यान से, तो बीएमएस हो, बीबीई हो या बीबीए हो, देखो ये लिखा साफ साफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके लिए वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन वन मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट इज कंपलसरी। इसके आधार पर ही दिल्ली यूनिवर्सिटी बीबीए में एडमिशन लेगा। तो ये तो बात होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीबीए करा रही हैं बिना मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की, ये भी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा रहा है। देखते हैं इसकी डिटेल्स। अगर आप इसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पहले ही पार में साफ साफ दिख जाएगा कि दिस यूनिवर्सिटी इज ओनली कंसिडरिंग जनरल टेस्ट। समझ रहे हो? मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट आपको देना है अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीबीए के लिए एडमिशन चाहिए तो, राइट? वही अगर हम बात करें बाकी की, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की भी अगर बात करें, तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो जनरल टेस्ट ही इकलौता सब्जेक्ट है जो कि ये यूनिवर्सिटी मांग रही है, राइट? चलो, दो यूनिवर्सिटी देख ली। अब बात करते हैं डॉक्टर हरिशंकर गौर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की, जिसमें क्या मांग रहा है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं इसमें भी जनरल टेस्ट ही मांग रहा होगा। ये देखो, बीबीए ऑनर्स, बेसिक जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब जनरल टेस्ट, राइट? तो भाई यहां पर ये जो तीनों यूनिवर्सिटीज हैं जनरल टेस्ट मांग रही हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का भी देख लेते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में अगर अपन देखें तो वेट अ लिटिल बिट, बीबीए में भी यहां पर जनरल टेस्ट मांग रहा है, राइट? तो यहां पर कोई भी यूनिवर्सिटी मैथ्स नहीं मांग रही है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी मैथ्स मांग रही है। अब यहां पर कई लोग का कहना है कि भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी बताओ, क्योंकि डीयू के बाद अगर देखा जाए तो बीएचयू इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, जिनको हम सब टॉप यूनिवर्सिटी मानते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं गया और मैंने देखा, तो द सैड थिंग इज कि देयर इज नो बीबीए ऑप्शन इन दिस यूनिवर्सिटी। यहां पर बीबीए नहीं किया जा सकता, बीकॉम है ऑप्शन पर बीबीए का ऑप्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं है। वहीं अगर हम बात करें मिजोरम यूनिवर्सिटी की, तो यार मिजोरम यूनिवर्सिटी जो है ना, वो भी शायद, वेट अ लिटिल बिट, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, बीबीए 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 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या यहां पर मिजोरम यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी नहीं मांग रही। ये तो सिर्फ मांग रही है कि भाई आप सेक्शन वन का इंग्लिश दे दो और डोमेन सब्जेक्ट इकलौता बिजनेस स्टडीज दे दो और हम आपको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे देंगे अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो। यहां पर ये बहुत खास बात है। और अगर मैं तो अभी आपको इतने का बताया, अगर मैं बाकी का देखूंगा ना, जैसे अगर मैं बात करूं नागालैंड यूनिवर्सिटी की, तो इसका भी देख लो, नागालैंड यूनिवर्सिटी में भी सेम चीजें हैं, या तो जनरल टेस्ट होगा या तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस स्टडीज होगा। तो देखो यहां ध्यान से, ये देखो जनरल टेस्ट और कॉमर्स, मतलब यहां पर तुमको अकाउंट्स देखो, बिजनेस और जनरल टेस्ट, ये तीन भरना और हो गया तुम्हारा काम। मैथमेटिक्स सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए है। और बात करूं बीएचयू की, तो भाई साहब वहां तो बीबीए का ऑप्शन है ही नहीं। तो कंक्लूड करके कहें तो बात इतनी सी है कि अगर आपको
बीबीए करना है, आपने ठानी है, तो जरूरी नहीं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के भरोसे रहे। ये सारी भी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इन पे भी तो सीयूटी के आधार पर एडमिशन होगा, तो यू कैन गो फॉर देम। सो और आपको ये इस टाइप का वीडियो और जिस भी कोर्स के लिए चाहिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि यहां पर अभी मैंने सिर्फ बीबीए को कंसीडर किया था क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी कि मैथ्स 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 बहुत ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमने नहीं पढ़ा मैथ्स तो हम क्यों जबरदस्ती मैथ्स पढ़े, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस तरीके के और भी वीडियोस अगर आपको देखने हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और क्या टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हाँ, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं कि सीयूईटी और टम2 की तैयारी साथ में कैसे करें, तो आप ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें मैंने काफी डिटेल्ड तरीके से एक मस्त सी स्ट्रेटेजी बताई है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।